देखो क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2015 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। इफ अल्फा इजकल टू 3 sin inverse 6/11 and beta equal to 3 times cos inverse 4/9, where the inverse trigonometric function take only the principal values, okay? Then the correct option is R, ठीक है। अब आप देखो अल्फा बाई 3 इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना साइन इनवर्स 6/11, तो यहां से साइन ऑफ अल्फा अपॉन 3 कितना हो गया 6/11, जिसका वैल्यू कितना 0.5, ठीक है, और 4 समथिंग, ठीक है। आप देखो 0.5 से बड़ा है, अगर हम साइन का ग्राफ देखें, ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू है π/2 में ही देख लो, 0 से π/2 में ये 0.5 30 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री पे 0.5 मिलेगा, इससे बड़ा ही, इसका मतलब अल्फा बाई 3 जो होगा वो ग्रेटर देन 30 डिग्री होगा, इसका मतलब अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ये कंक्लूड कर लिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखो, इसका मतलब कॉस ऑफ अल्फा से कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, कॉस ऑफ अल्फा लेस देन 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहां से सही है, ठीक। उसके अलावा अब बीटा सिमिलरली लिख लो, तो बीटा बाई 3 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/9, तो यहां से कॉस ऑफ बीटा बाई 3 कितना हो गया 4/9, विच इज इक्वल टू 0.4, ठीक है, 0.44 समथिंग, ठीक है। अब आप देखो कॉस का ग्राफ देखो, ठीक है, ये है आपका, ये π/2 है, ये 0 है। अब आप देखो 60 डिग्री पे 0.5 होता है 60, ये है 60 डिग्री, ठीक है, तो 0.5 से कम है, इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि बीटा बाई 3 जो है वो ग्रेटर देन 60 डिग्री है, यही तो होगा वो एंगल, तो ये 60 से बड़ा, ठीक है, तो बीटा बाई 3 ग्रेटर देन 60 डिग्री, तो बीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री, ये हमने कंक्लूड कर लिया। अब यहां से देखो 180 डिग्री से बड़ा, देखो 90 से छोटा है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा निगेटिव होगा, तो साइन बीटा लेस देन 0 होगा, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही, ओके। कॉस बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस बीटा क्या होता है पॉजिटिव, कॉस बीटा क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन है गलत हो गया, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा कर लो, अल्फा प्लस बीटा किए तो कितना हो जाएगा 90 प्लस, तो ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 270 डिग्री का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट ग्रेटर देन, तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया, तो ऑप्शन सी सही, तो बी सी डी सही है और ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि कॉस बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका निगेटिव होता है, ठीक है। तो इस कदर इसको सॉल्व करना था।